तेजस शुक्ला, हम लोग कांग्रेस को काफ़ी वोट दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम अपना वोट इस बार नरेंद्र मोदी को दें तो शायद कुछ चेंजेस हो। 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई शायद वो कर पाए। केजरीवाल साहब को भी हमने अपने दिल से वोट दिया था लेकिन वो नहीं कर पाए, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, धरने के बाद या कैसे भी, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं दे पाए। और एज़ पर रूल उन्होंने जो काम किया वो बस एक दिखावा करके छोड़ दिया। बहुत उम्मीदें थी, बट मे बी मोदी इज़ द बेस्ट PM एट प्रेजेंट। कह सकते हैं उन्होंने काफ़ी सारा विकास किया। अगर आप देखना चाहते हैं तो मदन लाल खुराना ने जो लो फ्लोर कॉरिडोर बस का प्रोजेक्ट डाला था वो पूरा किया शीला बहन जी ने, CM एज पर दिल्ली ने, पर उन्होंने गुजरात के अंदर वो चीज़ अप्लाई करके दिखा दी। और मज़े की बात है, आज दिल्ली का सबसे लोएस्ट किराया 5 रुपये है ग्रीन बस के अंदर, और वही चीज़ अगर आप थोड़ा सा ढूंढना चाहते हैं तो गुजरात की लो फ्लोर बस का किराया आज 3 रुपये उसी 5 किलोमीटर का। मज़े की बात यह, और उससे पहले आपको बता दूँ 2011 और 12 में वहाँ पर 1 रुपया 5 किलोमीटर का था। मैं उसका सपोर्टर नहीं हुआ, हुआ उसके समय में एक बुरा चीज़ हुआ, दंगे हुए, वो गलत था इंसानियत के नाते। अगर मेरा भी कोई जाता तो मुझे दुख होता, लेकिन काम उसने किया है। मैंने सुना है उनके मुंह से और देखा है खुद कि जब वो गांधीनगर विधानसभा में जाते हैं तो कहते हैं कि वो सीधा पॉर्च पे गाड़ी रोकने के बाद अपनी सीट पे ना जाकर सीधा वो जाते हैं विधानसभा में कैंटीन में जाके पूछते हैं, सर आप लोग 11:30 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कुछ उसमें मेल फीमेल और मेल प्यून्स होते हैं, कुछ फीमेल प्यून्स होते हैं, तो उन दोनों से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जी मैं चाय लेने आया हूँ। किसके लिए चाय लेने आए हैं? जी फला डिपार्टमेंट। तो वो बहुत प्रेम से कहते हैं आप सब CL भरिए और काम करिए, आप CL भरिए, हाफ डे का CL भरिए और काम करवाता है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो काम करवा रहा है, रिटर्न देता है। जब वो बहुत छोटे से कार्यकर्ता थे 1988 में, तो वो बड़ौदा के एक रोड पे खड़े थे जो अहमदाबाद के लिए आ रहा था, तो 5:45 पे बड़ौदा हाईवे पे जो आदमी आके खड़ा है उसने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। उन्होंने अपने IAS की मीटिंग्स में भी ये चीज़ खुद कही हुई है कि एज अ IAS की मीटिंग में कि वक्त का जो उपयोग करना जानता है गरीब से गरीब आदमी, तो उसको रिटर्न क्यों नहीं हम देते। उसका एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने, बहुत छोटा सा उदाहरण देकर बोले कि साहब मैं जब बड़ौदा से घर आ रहा था अहमदाबाद के लिए तो एक मैं बहुत सिंपल सा कार्य करता था, और उस समय 2 मजदूर, एक हस्बैंड और एक वाइफ, जिसके सर पर एक तसला हुआ करता था, एक त्रिकम और एक खोदने वाला फावड़ा, ये 2 चीज़ें लेके खड़ा था। 5:45 पर नरेंद्र भाई मोदी ने उस गरीब कपल को देखा, उसके बाद 10 मिनट बाद फिर देखा, और जब वो पहली बार देखता तो एक बस क्रॉस होती है, फिर दूसरी बस क्रॉस होती है, और इसमें हो जाता है 6:05, तो उसे कहता है ये 2 बस आपने जाने दी, क्यों जाने दी? तो कहा साहब आपको कहाँ जाना है? तो उसने उत्तर दिया कि साहब मुझे अहमदाबाद जाना है, कि 2 बस आपने जाने दी, कि साहब मैंने 2 बस इसीलिए जाने दी, उसके ऊपर रेड कलर का बोर्ड नहीं था। तो उसने कहा कि आपको पता रेड कलर के बोर्ड का मतलब, कि हाँ वो एक्सप्रेस होती है और वो लोकल होती है। तो क्या उसमें नरेंद्र भाई ने फिर उसको प्रश्न किया, आपको पता है उसमें किराया कितना एक्स्ट्रा लगता है? कहते हैं मुझे मालूम है, लेकिन टाइम तो कम लगता है ना, 1.5 घंटे में मैं बड़ौदा से अहमदाबाद पहुंचूंगा, उस लोकल बस में मैं 3 घंटे में पहुंचूंगा। जब गरीब आदमी अपने टाइम की वैल्यू जानता है, तो IAS की मीटिंग में 2003 में चाणक्यपुरी गुजरात भवन के अंदर उन्होंने वो जब कैसेट चलाई थी, तो एज पर रूल मैं भी उसका एक पार्ट था, तो मैंने वो देखा था, इसलिए मैं आपको इतना प्रत्यक्ष एग्जाम्पल के साथ ये बात कर रहा हूँ। बड़ी खुशी होती है कि वो समय के साथ बिल्कुल जेन्युइन चलना चाहता है, रिटर्न देना चाहता है। पर हाँ ये गलत है कि उनके समय में जो हुआ लोग कहते हैं, बट क्यों हुआ क्या हुआ वो दुखद था। मेरे परिवार से भी होता तो मैं दुख जरूर व्यक्त करता उस चीज़ से, लेकिन मेरा तो यही कहना कि एक बार तो इन्हें भी चांस दिया जाए, और दिया जाए। 60 सालों में कांग्रेस ने आदरणीय, अब नाम ना लेते हुए मैं यही कहूँगा कि कुछ नहीं किया, तो एक बार ट्राई तो करें। थैंक यू।